आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। कुछ लोग सिर्फ मेमोरेंडम बोलते हैं, कुछ लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। दोनों चीज चलेगा, क्योंकि मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू रजिस्टर अ कंपनी, ये जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। और इसको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको रिलायंस का प्रैक्टिकल जो मेमोरेंडम है वो बताऊंगा। एट द सेम टाइम फीचर्स और इसके जो क्लॉज है, ठीक है, जो टेबल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब एक प्रमोटर, प्रमोटर कौन है? जिसको आइडिया आया किस चीज का, कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। जैसे आपको 10th के बाद 11th के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा, आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डू यू एग्री? उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोटर को किसके पास रजिस्टर करना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कौन से दो मेन डॉक्यूमेंट लगेंगे? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सो इट ऑटोमेटिकली मींस कि ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कोई भी इंडिया में कंपनी रजिस्टर हो नहीं सकती। इंडिया में 16 लाख कंपनीज हैं, 16 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली बताता है क्यों फॉर्म हो रही कंपनी, उसका उद्देश्य क्या है, कैपिटल क्या है, नाम क्या है, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ये क्या बताता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो तुमने ओरिजिनली फ्रेम किया। अब ये ओरिजिनली फ्रेम क्या होता है मैं बताता हूं। ये देखो, ये आपको रिलायंस का डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके अंदर, ठीक है, जो अंदर आपको कुछ बदलाव करना है बाद में, सपोजिटली सर्टिफिकेट्स के बाद आएगा, कुछ बदलाव करना है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पहले हो सकता है नाम हो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अब नाम बदल के क्या करना है उनको, पब्लिक लिमिटेड। जैसे इंडिया में सुला विनयार्ड्स पहले प्राइवेट लिमिटेड था, अभी क्या हो गया है, पब्लिक लिमिटेड। सो ओरिजिनली जो फ्रेम है और एज ऑल्टर्ड, बाद में तुमने नाम चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा आधार कार्ड में एक नाम है, ठीक है, और तुमने बाद में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम चेंज कर दिया। लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी नाम, रितेश देशमुख इज वन एग्जाम्पल, आई थिंक उन्होंने अपने नाम में ई एड किया, RIE समथिंग एड किया। अभी मैं न्यूमरोलॉजी बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका जो जन्मांक और मूलांक वो सब उसके कायदे रहते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापिस से आधार कार्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में ओरिजिनली जो फ्रेम किया था या उसमें बदलाव किया वक्त के साथ साथ कंपनीज एक्ट के कायदे के हिसाब से, ठीक है, तो उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। इन शॉर्ट, मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट करते हो रजिस्ट्रार के पास, ऑनलाइन करते हो टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनली फाइल्ड, या तुमने कुछ बदलाव किया तो वापिस से तुमको बदला हुआ मेमोरेंडम विद द प्रिस्क्राइब्ड फी फाइल करना पड़ेगा। आया समझ में? सो मेमोरेंडम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, तुम्हारे राइट्स बताता है, प्रिविलेजेस बताता है। ये तुम्हारा, बोलते ना, मेन शरीर और मन है, मतलब तुम्हारा अस्तित्व है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम नहीं रहा तो कंपनी भी नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया में वो फॉर्मेशन अलाउड ही नहीं होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन के कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। सो फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम क्या है? वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, उसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स रहता है कि कंपनी क्या चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कौन सा गुड्स बेचना है, स्टील बेचना है, प्लास्टिक बेचना है, ऑटोमोबाइल बेचना है। ये रेगुलेट करता है कंपनीज रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको फोटो डालने, आप कहाँ जाएंगे, आई थिंक इंस्टा में डालते हैं फोटो। आपको
चैट, नॉर्मली व्हाट्सएप इज फेमस फॉर चैट, सो दोनों के पर्पज, ऑफकोर्स इंस्टा में भी तुम बात कर सकते हो, बट मैं प्रेफरेबली व्हाट्सएप पे करता हूँ और इंस्टा में कुछ बहुत रेयरली मैं कम्युनिकेट करता हूँ. सो बोलते ना आउटसाइडर्स का इमेज क्या है, व्हाट्सएप इज फॉर कॉलिंग एंड कम्युनिकेशन, इंस्टा इज फॉर अपडेशन ऑफ फोटोग्राफ और वीडियोज. सो ये आउटसाइडर्स के साथ इमेज बनता है. देयरफॉर ये जो मेमोरेंडम जो तुम बनाते हो वो देख के लोग तुम्हारे बारे में जज करेंगे कि कंपनी ऐसी है. तीसरा, हर एक कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है इनकॉर्पोरेशन से पहले, वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड का एक और नाम क्या है, इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेशन. अच्छा टेल मी, प्राइवेट में कितने लोग लगेंगे, कम मिनिमम टू, पब्लिक में करेक्ट, और ओपीसी में वन, ये लोग साइन करेंगे उसमें. ठीक है, उसमें 6 क्लॉज रहता है, नेम एड्रेस और लायबिलिटी और कैपिटल और एसोसिएशन. ठीक है, ये सब क्लॉज रहता है, वो वी विल सी, ये सब जब मैं क्लॉज में आऊंगा ना तब बताऊंगा, ये थोड़ी देर में आएगा. ये क्या बताता है, कंपनी का नेचर और कैरेक्टर. यदि मैंने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है स्टील तो मैं प्लास्टिक नहीं बेच सकता. तुम 11th कॉमर्स कर रहे हो या बीबीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो तुम बीकॉम नहीं कर सकते, पैरेलली तो अलाउड नहीं है कोर्स करना. तुम करस्पॉन्डेंस कर पाओगे लेकिन उसका वैल्यूएशन नहीं है. तुम बीबीए और बीकॉम साथ में नहीं कर सकते, तुम एमबीए और एमकॉम साथ में नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया है, वो कैरेक्टर बताता है कंपनी के. तुमने मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा नहीं चलता है, जैसे तुम्हारे कॉलेज में सब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के दिए हुए सब्जेक्ट तुम बाईपास नहीं कर सकते. जैसे फ्रेंच जर्मन है तो ठीक है, तुमने कोई नया ही सब्जेक्ट डाला जो नहीं है तो वो नहीं कर सकते. तुम बोलोगे मेरा प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉमर्स में आर्ट्स है, लेकिन आर्ट्स कहाँ है तो उसमें नहीं कर सकते बिकॉज बोर्ड ने नहीं दिया है. मतलब तुम मेमोरेंडम में कुछ भी लिखो लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का कायदा टूटना नहीं चाहिए. तुम कंपनी के नाम के एंड में INC नहीं लिख सकते, वो अमेरिका में अलाउड है, इंडिया में नहीं. इंडिया में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड. तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस मतलब मेमोरेंडम के दायरे के बाहर है. फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम ने बोला है मारुति का कि तुम कार बेचोगे, तुम थोड़ी प्लास्टिक बेच रहे हो, तुम बेच नहीं सकते, बेचा तो तुम मेमोरेंडम को तोड़ दिया हो, क्रॉस कर दिया हो, वो अल्ट्रा वायरस होता है और वो इलीगल होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स जवाबदार माने जाएंगे. ये एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जाता हूँ कंपनी के साथ, तो भाई पहले मेमोरेंडम चेक कर लो. तुम डील करना चाहते हो ना, ठीक है मेमोरेंडम, वो बोलेगा नहीं दिखाऊंगा, ओके रजिस्ट्रार से मंगा लो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें देखो लिखा है क्या, वो कपड़ा बेच सकता है तो वो अलाउड है. ऐसे बिना ऑब्जेक्ट लॉस के डील कुछ लोग नहीं करते. ठीक है, उसके बाद में कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट दिया टेबल ABCD. एक इसके लिए जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, सी वो वाली बात है, तुम्हारे डिवीजन ए हो सकता है SP का हो, डिवीजन बी हो सकता है मैथ्स का हो, या ए हो सकता है मराठी का हो, बी हो सकता है हिंदी का हो, सी हो सकता है फ्रेंच का हो, डी हो सकता है जर्मन का हो. समझ में आ रहा है? सो तुमको डिवीजन अलॉट किया है, तो ए क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स, बी है लिमिटेड बाय गारंटी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, सी लिमिटेड बाय गारंटी बट शेयर कैपिटल है, और अनलिमिटेड कंपनी, और इसमें सब दिया हुआ है क्लियर कट. ज्यादातर कौन से रहेंगे कोई बता सकता है, ABCD में मैक्सिमम कौन सा यूज होता है इंडिया में, कॉमन सेंस देखो, ये यूज होगा ना, मेजोरिटी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, तो क्या यूज होगा, ए यूज होगा. नाउ क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 में से 9 पेपर में आएगा, ये 9 पेपर. इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, SY BCOM भी हो, इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है. फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम 4 मार्क का आएगा लेकिन क्लॉज फुल 8 से 16 मार्क का आएगा. ठीक है, नाउ एक एक करके ध्यान से सुनना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्या दिया हुआ है, नेम क्लॉज. याद रखना इंडिया में सबसे पहले आपको नाम के अंत में, पहला पॉइंट ना देखो क्या दिया हुआ है मैंने, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है. मैं तुमको लाइव रिलायंस का केस बताता हूँ. रिलायंस कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है क्या पब्लिक है बताओ. देखो इसलिए इधर नाम क्या लिखा रिलायंस से मेमोरेंडम में, मैं प्रैक्टिकल लाइव केस बता रहा हूं, रिलायंस का ओरिजिनल क्या दिखा रहा है,
सो टेल मी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है क्या पब्लिक लिमिटेड है? पब्लिक लिमिटेड है। अच्छा एप्पल क्या है इंडिया में? प्राइवेट लिमिटेड है। तो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। सो तुमको नाम के अंत में इंडिया में कंपलसरी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, किसी का नाम नहीं रहा तो क्या वो गलत है? नहीं। इन रेयर केस गवर्नमेंट अलाउड करता है नॉट टू यूज द वर्ड लिमिटेड, ठीक है। LIC के नाम के अंत में तुमको लिमिटेड नहीं मिलेगा, बट वो स्टैचुटरी कंपनी है इसलिए। अब उसके तुम जब नाम बनाना चाहते हो तो क्या करना है? तुम ऐसा नहीं कर सकते कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्स्ट्रा लिमिटेड है, ऐसा डाल नहीं डाल सकता, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं, वो बड़ा गुनाह माना जाएगा। पहले तो तेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रिलायंस इंडिया एक्स्ट्रा लिमिटेड परमिशन ही नहीं मिलना है। बोलते ना तेरे पास तू लाइसेंस ही नहीं है तो तू गाड़ी चला नहीं सकता। इलीगल चलाया और कभी ना कभी पकड़ा गया तो फिर गया? इफ पकड़ा गया, प्रिंट मीडिया में आ गया तो गया, फिर वो प्रूफ हो जाता है ना, रिटर्न प्रूफ आ जाता है। दूसरा, नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स जो लॉ का ऑफेंस लेता हो, तुम लॉ के विरुद्ध जाते हो। अच्छा अभी स्विगी कितने सारे लोग पर जेप्टो गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है सबको, जवाब दो। अरे भाई तुम 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हो लेकिन तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। कुछ केस में धोखा कैसे? एक्सपायरी डेट डाला नहीं, या एक्सपायरी डेट 7 ही दिन बचाए जबकि 3 महीना होना चाहिए। ऐसा भी इल्जाम कुछ लोगों पर लग रहा है कि तुम आउटडेटेड। देखो धोखा, ईमानदारी, ईमानदारी जापान में ऐसा होगा? नहीं होगा। इंडिया ने नोटिस भेजा है, जेप्टो को भेजा है, ब्लिंकिट को भेजा है। अच्छा कंपनी डायरेक्टली जवाबदार नहीं हो लेकिन तुम बेच रहे हो तो उसमें क्यों नहीं लिखा है एक्सपायर बेस्ट बिफोर? फूड प्रोडक्ट्स में लिखना कंपलसरी है, उन्होंने लिखा ही नहीं है। लोगों को फिर जहर तुम बेच रहे हो ना कुछ केस में, अब उनको जवाब देना पड़ेगा और आगे से केयर लेना पड़ेगा। तो इतना टाइम वो लोग कर रहे थे, आज पकड़े गए ना, अभी सबको नोटिस गया, अभी सबको जवाब देना पड़ेगा। सो नेम ऑफ वर्ड्स कोई भी सेक्शन ऑफ द पीपल तुम धर्म में नहीं डाल सकते, धर्म के विरुद्ध नहीं डाल सकते। तुम एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि अगेन दूसरे सेक्शन नाराज होंगे। तुम अशोका चक्र का चिन्ह जो है ना वो सब नहीं कर सकते। तुम प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं डाल सकते, प्रेसिडेंट का नाम नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो नहीं डाल सकते। कोई भी ट्रेडमार्क, रिलायंस का ट्रेडमार्क है ना, ये देखो रिलायंस का ट्रेडमार्क, ये रहा सामने, ये ट्रेडमार्क मैंने दिखाया था ना, ये ट्रेडमार्क क्यों यूज नहीं कर सकते रिलायंस का? ये है ना ट्रेडमार्क, दिख रहा है ये दिख रहा है, ये ऑलरेडी रिलायंस का है ना, अब मैं वो कॉपी नहीं कर सकता और वो लाइसेंस अलाउड भी नहीं करेंगे, देंगे भी नहीं, ठीक है ना। और ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए कि तुम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, XYZ लिमिटेड एफिलिएटेड टू मोदी गवर्नमेंट। लोग डील करेंगे ना अच्छे तरीके से तो धोखा होगा, मेरा कुछ रिलेशन ही नहीं, मैंने डाल दिया, पकड़े गए तो सॉलिड पेनल्टी बैठेगा भाई, कुछ केस में जेल भी हो सकता है फिर। नाउ नेम क्लॉज क्या बदल सकते हो? यस, एक कंसेप्ट कंपनी थी आयुर्वेदा कंसेप्ट, उसका नाम क्या हो गया? हिमालया। आया समझ में? एक बॉम्बे में कंपनी थी, उसका नाम बहुत बदनाम हो रहा था, ठीक से वो लोगों को धोखा दे रही थी, अब उन्होंने नाम बदल दिया। लोग फिर नाम बदल देते हैं, नाम खुद से बदल सकते हो, पब्लिक टू प्राइवेट कर सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये तुम्हारा नाम और लोगो दूसरे कंपनी के साथ मैच हो रहा है, उसने केस डाल दिया तो तुमको बदलना पड़ेगा। ये इंडिया वाले बदमाशी करते, देखो ये क्या है नाइकी, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं एडिडास का एबीबैस, मतलब खुद में दम नहीं है ना तो दूसरे का नाम को लेके आगे बढ़ना, ऐसे बहुत सारे केसेस है इंडिया में और चाइना में भी जो डुप्लीकेट्स बनाते हैं, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। दूसरा एड्रेस क्लॉज, इसको डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड क्लॉज भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, हर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के दिन या इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर, देखो दिया इधर, हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे? मैक्सिमम मुंबई। अब रिलायंस का देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है रजिस्टर्ड ऑफिस रिलायंस का? वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रिलायंस का कहाँ पे, क्या दिख रहा है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई नहीं बोलते, स्टेट बोलते हैं,
बट रिलायंस का कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस देना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखने पड़ेंगे, सारे नोटिसेज रजिस्टर के साथ कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा, सारे रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ये सारे रजिस्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, सब ब्रांचेस कितने भी हो तुम्हारे 10, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट कहाँ पर रहेगा? हेड ऑफिस में रहेगा, ठीक है। ऑल्टरेशन तुम सेम सिटी और टाउन कर सकते हो, एक टाउन से दूसरे टाउन कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट करने के लिए तुमको मीटिंग बुलाना पड़ेगा और रजिस्ट्रार जो है ना रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि महाराष्ट्र से रिलायंस ने गुजरात कर दिया तो जो महाराष्ट्र में शेयर होल्डर्स है उन लोग को गुजरात जाना पड़ेगा ना, तो दिक्कत होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज दो है। एक स्टील कंपनी ले लो, टाटा स्टील, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सेलिंग स्टील। अदर ऑब्जेक्ट क्या है? सेलिंग स्क्रैप। समझ में आया? एक कंस्ट्रक्शन वाला है, फ्लैट बेचने के बजाय जो सीमेंट वो सब बचता है वो सब बेच दिया, वो कॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होगा। ध्यान रखना ये मेन ऑब्जेक्ट के दायरे के बाहर तुम काम नहीं कर सकते, इसलिए तुमने कंसल्टेंसी डाला है तो तुम प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। यदि सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्ट नाम नहीं लिख सकता। आया समझ में? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, सिर्फ इतना समझ लो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन या मेन क्लॉज जो मेमोरेंडम है, क्लॉज के बाहर तुमने कुछ भी काम किया तो क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा और तुम पे एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि तुम जैसे कॉमर्स का कोर्स करके तुम साइंस में अटेंड कर रहे हो, ये इलीगल है। अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, सो क्या होना चाहिए? इंट्रा वायरस, विद इन द स्कोप होना चाहिए। इन शॉर्ट, मारुति ऑटोमोबाइल बेच रही है चलेगा, प्लास्टिक बेच रही है नहीं चलेगा। क्यों? उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है? सेलिंग ऑटोमोबाइल्स। तो यू कैन नॉट डू दैट। जैसे तुम बीबीए या 11th कर रहे हो कॉमर्स, तो तुम साइंस कर पाओगे पैरेलली? नो। एनीथिंग इफ यू सिट फॉर साइंस लेक्चर वो टेक्निकली इलीगल है, पकड़े नहीं गए वो बात की बात है, बट वो इलीगल है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर सकते हैं, कंपनी रेयरली करती है, क्योंकि तुम कंपनी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आ रहे समझ में? तुम बना क्या रहे थे, बेच क्या रहे हो, और अभी पूरा दिशा ही चेंज कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम होगा। मेजॉरिटी कंपनी चेंज नहीं करती है, तुम स्पेशल रेजोल्यूशन डालकर चेंज करो, लेकिन तुमको वापस पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट लो। अच्छा एप्पल का ले लो, तुमको पता है एप्पल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिसर्च किया था। एक कंपनी बीवाईडी, सुना है? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। एप्पल और बीवाईडी ने मिलकर एप्पल मतलब कार का सोचा था, प्रोजेक्ट बंद कर दिया उन्होंने, 8,000 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ये प्रोजेक्ट है ना, आज बीवाईडी कंपनी को आइडिया मिल गया बैटरीज के, तो बीवाईडी कंपनी के जो बैटरीज है वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि एप्पल के साथ हुआ। एप्पल को बंद हो गया, अब उन्होंने बोल दिया हम नई कार में एंटर नहीं करेंगे, एप्पल उतरने वाले थे ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कार मार्केट में, बट वो उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन वो प्रोजेक्ट में जो एक्सपीरियंस आया बीवाईडी के साथ मिलकर, वो जो तुम्हारा क्या है वो एप्पल का क्या है वो बड़ा विजन प्रो, वो प्रोजेक्ट किया ना, उससे उनको अंदाजा आया। और उनके जो मोबाइल के बैटरीज है ना उसमें जो अपग्रेडेशन है वो प्रोजेक्ट की वजह से फायदा हुआ। और बीवाईडी को क्या फायदा हो गया एप्पल के साथ, नए आइडियाज मिले। तो अभी बीवाईडी कंपनी क्या खटाखट लॉन्च कर रही है, नंबर वन हो गई वर्ल्ड की। किसका? बीवाईडी को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शायद अलाउड नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ इंडिया में? इंडिया आने नहीं देगा? हाँ वो एक हाथ, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, टेस्ला भी तेरे को मिल जाएगा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। वर्ल्ड के एक हाथ गाड़ी नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर सेल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो तेरे को, मैंने तो नासिक में रोल्स रॉयस से लेकर सब देखे गाड़ियाँ, सब जितने हैं ना वर्ल्ड के, फरारी से लेकर लंबोर्गिनी दिखते हैं। हाँ मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ पे वो गाड़ियाँ निकलते हुए दिखती है, बट वो वन ऑफ गाड़ियाँ, एक हाथ दो है, जैगुआर सब दिखता है। बोलने का तात्पर्य इंडिया में बीवाईडी को आने देगा ही नहीं, बिकॉज वो चाइनीज कंपनी, इसलिए वो पाकिस्तान और वो सब दिख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ताकि एक्सपोर्ट कर सके। और पाकिस्तान में सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, तो देखते वो लोग क्या करते हैं। बट इंडिया में टाटा ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। लायबिलिटी क्लॉज, इंडिया में इम्पोर्ट तो मिल जाएंगे तुमको, लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं होता है उसका। तो पाकिस्तान का ऑप्शन हो गया, तो चाइना में कोई
चाइना में तो वो लोग बना ही रहे, लेकिन वो लोग अलग अलग देश जाना चाहते हैं बनाने के लिए। सर दुबई में अगर देखा तो दुबई में ह्यूंडई का सबसे बड़ा मार्केट है। मुझे नहीं पता ह्यूंडई का है, ह्यूंडई का आईएनएक्स सबसे मतलब दिखने में भी बहुत सुंदर गाड़ी है ह्यूंडई की। उधर लेते हैं अगर ईवी तो, और अगर जर्मनी में ये हुआ, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये सब इम्पोर्ट करते हैं लोग। इम्पोर्ट तो होते हैं पर दुबई में वैसे उसके जाते हैं, और दुबई में डिवाइड नहीं ये होगा। और मतलब अगर जर्मनी और यूरोप का देखा ना, उधर वॉक्सवैगन बीएमडब्ल्यू आई थिंक ने टेस्ला को पीछे कर दिया था नंबर वन में। तुम दुबई में जाओगे ना, एक ऐसा एरिया है, तुम ऐसे रास्ते से जा रहे हो, राइट हैंड साइड तुमको शोरूम मिलेगा, एक दो लाइन से तुमको ऐसा लगेगा भाई तुम शोरूम की दुनिया में आ गए। तुमको ये तुमको हाँ वो वीडियोस देखा ना, तुमको वर्ल्ड में ऐसी कौन सी भी जगह नहीं दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे, मतलब तुम काउंट नहीं कर सकते इतने सारे डीलरशिप से, सिर्फ ऑटोमोबाइल डीलरशिप लाइन से बहुत, नॉट नेसेसरली प्री ओन्ड, दोज आर न्यू ऑल्सो सेलिंग, बट वो लाइन से जो मिलते हैं ना। और एक और चीज़ को बोलता हूँ, दुबई में तू देख लेना, प्री ओन्ड कार दुबई में बहुत कम बिकते हैं, वो लोग अपमान मानते हैं। देव से मैं तो मेरी बात सुनो, मैं गया हूँ दुबई में इसलिए बता रहा हूँ मैं, दुबई में लोग अपने सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते नहीं है, रस्ते में ले छोड़ देते हैं पोर्शे, और फिर वो गवर्नमेंट उसको लिखा के स्क्रैप यार्ड में डालता है। नोबडी सेल्स द सेकेंड, वो उनका अपमान माना जाता है। सेकेंड हैंड तो खरीदने का वो लोग हिम्मत ही नहीं करें, बिकॉज तुम्हारा सोसाइटी में शेख जो लोग रहते हैं दे वॉन्ट न्यू और स्पेसिफिक कलर वाइज। तो प्रियोन जो तू बोल रहा है 99.99% एक खादी शोरूम रहेगा, एवरीथिंग इज ब्रांड न्यू, क्योंकि दुबई के शेख जो रहते हैं उनका माइंडसेट इज, इसलिए तो दुबई वर्ल्ड में इतना आगे है, वो लोग सेकेंड हैंड नहीं, हमारे इज्जत के खिलाफ है। हम अच्छा अपन क्या एक्सचेंज ऑफर में लेते हैं, वो लोग पुरानी कार छोड़ देते हैं रस्ते में, जो न्यूज आता है ना, एब्सोल्युटली माइंडसेट उनका पॉजिटिव। आम इंसान की तो बात कर रहे हैं, आम इंसान लोग लेते हैं नहीं, बराबर तू बोल रहा है वैसे, वो लोग अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं, तेरे को एक जगह मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव भी शोरूम्स है और मिक्स वाले भी शोरूम्स है वहाँ पे। और अरे मैंने देखा ना लाइन से, यू विल फाइंड मोर देन 100 शोरूम्स वन आफ्टर द अनदर, 100 के ऊपर वो पूरा। मैं बोला कब खत्म होगा, खत्म ही नहीं हो रहा था, सोच इतना इतना जबरदस्त था, बहुत गजब है, कभी गए तो तुमको मिलेगा वहाँ पे, या तुम इसमें देख लेना यूट्यूब में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज क्या है, तुम नाम के अंत में क्या देखोगे, लिमिटेड, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगा, या लिमिटेड बाय गारंटी होगा, या अनलिमिटेड होगा। नाउ टेल मी इंडिया में मेजॉरिटी क्या रहेगा, लिमिटेड होगा। अब रिलायंस का क्या है बताओ, लिमिटेड है, देखो इधर आ गया ना लिमिटेड। सो तुमको ऐसा नाम डालना पड़ेगा। लायबिलिटी क्लॉज कोई चेंज नहीं करता, लिमिटेड से अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स ही अलाउड नहीं करेंगे। मतलब मैं, मेरा शेयर का वैल्यू 10 रुपया, 6 रुपया पे किया, ज़्यादा सारा मुझे चार्ज देना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तब तो मैं मर जाऊँगा। तो कोई भी चेंज नहीं करता, लायबिलिटी तो मैंने चेंज होते हुए देखा ही नहीं है। कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम 100 करोड़, अभी इसका जान दो, ह्यूंडई का लाइव एग्जाम्पल हो, लाया ना उन्होंने आईपीओ, 28,000 करोड़ का आईपीओ लाया था, ठीक है। नाउ सपोजली कंपनी है, मैंने 100 करोड़ लिखा मेरे मेमोरेंडम में, अरे लिखा क्या, रिलायंस का ही देख लेते हैं, रिलायंस का तुमको अभी बताता हूँ कितना कैपिटल है। ये देखो रिलायंस का कैपिटल इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है, ये पढ़ते भी नहीं आएगा, 15,000 करोड़। अब ये 15,000 करोड़ पे उनको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तुमने इधर कितना लिखा है रिलायंस ने बताओ, 15,000 करोड़, उससे ज्यादा के शेयर मार्केट में नहीं आ सकते। हाँ मार्केट वैल्यू बढ़ गया वो बात अलग है, लेकिन 15,000 करोड़ में मेंशनड है, तो मैं आईपीओ या शेयर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कितने ला सकता हूँ, 15,000 करोड़ या कम, उससे ज्यादा नहीं। मुझे 20,000 करोड़ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिलायंस को प्लस 5,000 करोड़ का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, 5,000 करोड़ बढ़ाना पड़ेगा, नया मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा,
5000 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा क्योंकि 15000 करोड़ पे भरा हुआ है, उधर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में मार्केट में 5000 करोड़ का ला सकता हूँ क्योंकि 15000 करोड़ ऑलरेडी ला चुके हैं। सो जैसे तुम्हारे पास स्टॉक टाइम 2 GB का डेटा है, तुम 2 GB से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे? प्रेज्यूम्ड नहीं। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लॉज है, इसको बढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि वक्त के साथ साथ कंपनी बड़ी होती जाती है, तो इसको तुम बढ़ाओगे, ऑल्ट्रेशन करना आसान है, ऑथोराइज कैपिटल में बढ़ा सकते हो। लास्ट में एसोसिएशन क्लॉज, ये क्या है देखते हैं, तुमको लाइव में बताता हूँ रिलायंस का। नाउ टेल मी, पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए मिनिमम साइन करने के लिए? 7। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 7। मतलब ये कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक। देखो उनके सामने शेयर्स आ गए, सबका सिग्नेचर आएगा, उनका एड्रेस आ गया। सो एसोसिएशन क्लॉज बोलता है कि इफ इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड तो 2 लोग साइन करेंगे, ओपीसी तो 1 करेगा, पब्लिक है तो 7 प्लस 1 विटनेस होगा जो इन 7 में से नहीं होगा। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फीचर्स और 6 के 6 क्लॉजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करना। तो यहाँ ही खत्म होता है।